नमस्कार मित्र हो, आज दिनांक 30 नवंबर के करियर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम सिर्फ वॉक इन इंटरव्यूज की बात करेंगे। आज हम इस देश में जहां कहीं भी वॉक इन इंटरव्यूज अगले 10 या 15 दिन में होने वाले हैं, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। मैं उसकी जानकारी आपको देने वाला हूं। कृपा करके पूरा वीडियो देखिए। आज के बुलेटिन में मैं 2 यूनिवर्सिटी आज के बुलेटिन में मैं 2 यूनिवर्सिटी और 1 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जो प्राध्यापक, व्याख्याता और सहायक शिक्षक की रिक्तियां हैं, उसी के बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो चलो आज की पहली रिक्त पदों की जानकारी के बारे में हम जान लेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड या झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया गया है। इसमें कुल 8 रिक्त पदों के लिए विज्ञापन दिया गया था। कुल 8 रिक्त पद सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए ये वॉक इन इंटरव्यूज का आयोजन किया गया है। यदि आप ज्योग्राफी विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास है, उसके सिवाय नेट एग्जामिनेशन और सेट एग्जामिनेशन और पीएचडी की सफलता आपके पास है तो आप इसके लिए इस वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। पहला वॉक इन इंटरव्यू है 10 दिसंबर को, ज्योग्राफी विषय के लिए है। ज्योग्राफी विषय के अंतर्गत रिक्त पद है, उनमें से एक है अनरिजर्व, जिसे हम जनरल कैटेगरी भी कहते हैं। 2 रिक्त पद है ओबीसी और एसईबीसी के लिए। 1 रिक्त पद है एससी के लिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्त पदों के लिए 11 दिसंबर को वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया गया है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कुल 4 रिक्त पद है, उनमें से एक है अनरिजर्व, 2 है एसईबीसी कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी के लिए और 1 रिक्त पद है एसटी कैटेगरी के लिए। ध्यान रखिए, ये सभी 8 रिक्त पद टेम्पररी बेसिस पर है, उसके लिए आपको 55,000 रुपीस का कंसोलिडेटेड रेम्यूनरेशन दिया जाएगा। इस वीडियो के साथ इस वॉक इन इंटरव्यू के लिए यदि आप उपस्थित रहना चाहते हो तो उसके लिए कौन सी योग्यता आवश्यक है, ये मैं आपको इस वीडियो के इंफॉर्मेशन
के अंतर्गत या YouTube पर वीडियो के बारे में जो जानकारी दी गई है, जिसे हम डिस्क्रिप्शन कहते हैं, उसी के अंतर्गत इसकी नोटिफिकेशन या विज्ञापन की पूरा विज्ञापन की लिंक मैं आपको देने वाला हूँ। कृपा करके इस विज्ञापन को पूरी तरह से ध्यान से पढ़िए, और यदि आपको लगता है या यदि आप इस इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हो तो आपके लिए हमारी ओर से शुभकामनाएं। ध्यान रखिए, इंटरव्यू की रजिस्ट्रेशन टाइमिंग सुबह 9:30 से 10:30 है और उसका इंटरव्यू 10:30 के बाद शुरू होगा। आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड पहुंचना है। जो दूसरा वॉक इन इंटरव्यू है उसका आयोजन सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मीरठ की ओर से किया गया है। इस वॉक इन इंटरव्यूज में कुल 13 रिक्त पदों की भर्ती की जाएगी। इस वॉक इन इंटरव्यू के अंतर्गत बहुत से सब्जेक्ट भी है, विषय भी है, जहां पर आप आवेदन भेज सकते हो और डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए उपस्थित भी रह सकते हो। तो चलो देखते हैं, इसकी जानकारी लेते हैं। पहला जो विषय है लाइब्रेरी साइंस। कुल गेस्ट फैकल्टी की रिक्त पदों की संख्या है 1 और उसका इंटरव्यू है 27 नवंबर। दूसरी रिक्त पद है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में, कुल संख्या है 2, उसका भी इंटरव्यू है 27 नवंबर को। तीसरी रिक्त पद है इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग में, कुल रिक्त पदों की संख्या है 1, उसका भी इंटरव्यू है 27 नवंबर को। अगली रिक्त पदों का नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनैलिटी, कुल संख्या है 1 और उसकी वॉक इन इंटरव्यू की तारीख है 28 नवंबर। अगली रिक्त पद प्लांट माइक्रोबायोलॉजी के विषय में है, कुल संख्या है 1 और उसका वॉक इन इंटरव्यू का दिनांक है 28 नवंबर। अगली रिक्त पद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इस विषय में है, कुल संख्या है 1 और उसका वॉक इन इंटरव्यू है 1 दिसंबर। अगला विषय है स्टैटिस्टिक्स, उनमें रिक्त पदों की संख्या है 1 और उसका वॉक इन इंटरव्यू है 1 दिसंबर। अगला विषय है प्रोसेस एंड फूड इंजीनियरिंग और फूड टेक्नोलॉजी, कुल रिक्त संख्या है 1 और उसका दिनांक है 1 दिसंबर को। अगला विषय है फिजिकल एजुकेशन, कुल रिक्त पदों की संख्या है 1 और उसका दिनांक है 1 दिसंबर। अगला विषय है मैथमेटिक्स, कुल रिक्त संख्या है 1 और उसका वॉक इन इंटरव्यू का दिनांक है 2 दिसंबर। अगला विषय है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसकी संख्या है 1 और उसका दिनांक है 2 दिसंबर। और अंतिम विषय है सिविल इंजीनियरिंग, कुल संख्या है 1 और उसका विषय है 2 दिसंबर। ध्यान रखिए, ये सभी रिक्त
रिक्त पद टेम्पररी बेसिस पर है, आपको इस टेबल में दिए गए पर है, आपको इस टेबल में दिए गए दिनांक पर जहां आपको बताया गया है वहां आपको उपस्थित रहना है। ये ध्यान से सुनिए, इसका जो नोटिफिकेशन है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। वीडियो पूरा देखने के बाद वो नोटिफिकेशन पूरा खोल के देखिए, और यदि आपको यह विज्ञापन और यदि आप इस विज्ञापन के जरिए उपस्थित रहना चाहते हैं तो पदों का नाम है व्याख्याता और सहायक शिक्षक। कुल तीन विज्ञापन है, कुल तीन विज्ञापन स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दिए गए हैं। कुल तीन विज्ञापन है, हम तीन विज्ञापन के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। पहला विज्ञापन है, उस पहले विज्ञापन में आपको जो वॉक इन इंटरव्यू है उसका दिनांक है 10 दिसंबर और आपको सुबह 9 बजे तक इस वॉक इन इंटरव्यू के स्थल पर उपस्थित होना है, ये ध्यान रखिए। पहला विषय है हिंदी, कुल व्याख्याता की रिक्त पदों की संख्या है 1 और ये अनारक्षित है। दूसरा विषय है गणित, व्याख्याता की रिक्त पदों की संख्या है 1, ये भी अनारक्षित है। की रिक्त पदों की संख्या है 1, ये भी अनारक्षित है। तीसरा है जीव विज्ञान, कुल व्याख्याता की रिक्त संख्या है 1, ये भी जनरल कैटेगरी के लिए। अगला विषय है भौतिकी, कुल व्याख्याता की रिक्त पदों की संख्या है 1। अगला है वाणिज्य, व्याख्याता की कुल रिक्त पदों की संख्या है 1। लेकिन ये अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। अगला विषय है गणित, लेकिन पद इसकी कुल संख्या है 1 और ये जनरल कैटेगरी के लिए खुला हुआ है। अंतिम विषय है विज्ञान समूह, कुल सहायक शिक्षक की रिक्त पदों की संख्या है 1 और ये जनरल कैटेगरी के लिए खुला है। ध्यान रखिए ये सभी रिक्त पद टेम्पररी बेसिस पर है और आपको कंसोलिडेटेड रेम्यूनरेशन या संविदा मानदेय के अंतर्गत आपको वेतन मिलने वाला है। इसका नोटिफिकेशन भी मैं आपको इस वीडियो के साथ देने वाला हूं। ध्यान रखिए दिनांक और समय आपको ध्यान रखना है। यहाँ स्क्रीन पर मैं आपको टेबल दिखाने वाला हूं। क्रमांक 1 में जो रिक्त पद है उसके लिए 10 दिसंबर को आपको 12 बजे तक पंजीयन करना है। दोपहर 12:30 से 2:30 बजे तक वो लिखित परीक्षा का संचालन होगा। आज 4:00 बजे तक लिखित परीक्षा परिणाम की घोषणा होगी।
इसकी चयन प्रक्रिया किस तरह से होगी, अन्य निर्देश इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत आपको दिए गए हैं, आपको कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ये सभी की जानकारी इस नोटिफिकेशन अंतर्गत आपको मिलेगी। स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ने और एक विज्ञापन जारी किया है, उसका भी दिनांक है 10 दिसंबर और आपको प्रातः 9 बजे तक वॉकिन इंटरव्यू के लिए निर्धारित स्थल पर उपस्थित होना है। चलो देखिए इस विज्ञापन में अंग्रेजी विषय में व्याख्याता की रिक्त पदों की संख्या है 1, ये अनारक्षित है। दूसरी गणित विषय में व्याख्याता की रिक्त पदों की संख्या है 1, ये तीसरा विषय है जीव विज्ञान, उसमें व्याख्याता की 1 रिक्त पदों की संख्या है और वो भी अनारक्षित है। अगला विषय है भौतिकी, उसमें व्याख्याता की रिक्त पदों की संख्या है 1, ये भी जनरल कैटेगरी के लिए खुला है। अगला विषय है सामाजिक अध्ययन, उसमें व्याख्याता की रिक्त पदों की संख्या है 1, ये भी खुला है। और एक है वाणिज्य, जिसमें व्याख्याता की रिक्त पदों की संख्या है 1, लेकिन ये अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। अगला विषय है गणित, उसमें शिक्षक पद की रिक्त संख्या है 1, लेकिन ये जनरल कैटेगरी खुला है। अगला विषय है अंग्रेजी की कुल संख्या है 1, ये भी जनरल कैटेगरी के लिए खुला है। अगला विषय है विज्ञान, शिक्षक की कुल रिक्त संख्या है 1, ये भी जनरल कैटेगरी के लिए खुला है। अगला विषय है कला समूह, सहायक शिक्षक की रिक्त पदों की संख्या है 3, उनमें से 2 अनुसूचित जनजाति में से 1 महिला के लिए आरक्षित है और 1 जनरल कैटेगरी के लिए खुला है, 2 उनमें से 1 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है और 1 जनरल कैटेगरी के लिए मुक्त है। ध्यान रखिए ये सभी रिक्तियां टेम्पररी बेसिस पर है, इसी के अंतर्गत आपको कंसोलिडेटेड रेम्यूनरेशन मिलेगा। आपको 10 दिसंबर को जहां पर या निर्धारित तिथि को निर्धारित स्थल में उपस्थित होकर पंजीयन कराना है और आपके आवेदन पत्र आपको प्रस्तुत करना है। स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ने और एक विज्ञापन जारी किया है, उसकी हम जानकारी लेते हैं। इन 3 विज्ञापन की जो दिनांक है वो 10 दिसंबर ही है और पंजीयन करने की तिथि अलग है, तो इस विज्ञापन के अंतर्गत जो पहला गणित विषय में व्याख्याता की रिक्त पदों की संख्या है 1 और वो जनरल कैटेगरी के लिए, दूसरा विषय है सामाजिक अध्ययन, उसमें व्याख्याता की रिक्त पदों की संख्या है 1, वो भी जनरल कैटेगरी के लिए,
अगला विषय है वाणिज्य, उनमें व्याख्याता की रिक्त पदों की संख्या है एक, वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। अगला विषय है अंग्रेजी, उनमें शिक्षक पद की रिक्त पदों की संख्या है एक, वो जनरल कैटेगरी के लिए है। अगला विषय है विज्ञान, उनमें शिक्षक पद की रिक्त पदों की संख्या है एक, वो भी जनरल कैटेगरी के लिए है। अगला विषय है कंप्यूटर, उनमें शिक्षक की रिक्त पदों की संख्या है कुल एक, वो भी जनरल कैटेगरी के लिए खुली है। अगला विषय है कला समूह, उनमें सहायक शिक्षक की रिक्त पदों की संख्या है कुल तीन, उनमें से दो अनुसूचित जनजाति के लिए है और दो में से एक महिला के लिए आरक्षित है, बाकी एक है जनरल कैटेगरी के लिए। अंतिम विषय ज्ञान समूह, उनमें सहायक शिक्षक के लिए कुल रिक्त पदों की संख्या है एक और वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ध्यान रखिए ये सभी रिक्त पदों की पूर्ति संविदा भर्ती के माध्यम के द्वारा की जाएगी। इसका भी विज्ञापन मैं YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत देने वाला हूँ। पूरा का पूरा विज्ञापन ठीक तरह से पढ़िए, उसका आवेदन पत्र ठीक तरह से भरिए।